अखिलेश यादव पूरनपुर विधानसभा पर ध्यान दीजिए, आपसी खींचतान कर रही है पार्टी का माहौल खराब। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सपा में जंग। बरेली की इस विधानसभा पर मामा भांजे में खिंची तलवारें। सपा से टिकट पाने के लिए दोनों लगा रहे हैं जोर। दोनों के समर्थक एक दूसरे को बेहतर साबित करने में लगे। एक तरफ चुनाव की घोषणा तो दूसरी तरफ टिकट के लिए धमाचौकड़ी। समाजवादी पार्टी में फिलहाल यही देखने को मिल रहा है और गजब की बात यह है कि एक अनार 100 बीमार वाले हालात देखने को मिल रहे हैं। सपा आलाकमान को समझ नहीं आ रहा कि आखिर किसको टिकट दिया जाए। बरेली जिले की पूरनपुर विधानसभा पर तो सपा की तरफ से मामा भांजे ने ही ताल ठोक दी है, जिससे सियासी पारा एकदम चढ़ गया है। भले ही फजाओं में सर्दी है, लेकिन फिर भी पूरनपुर में गर्मी का एहसास हो रहा है। दरअसल पूरनपुर विधानसभा सीट पर सपा की दावेदारी को लेकर मामा भांजे में चल रही रार और तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संकेत मिलते ही भांजे यानी राजू ठेकेदार ने चुनाव संबंधी तैयारियां तेज कर दी। इस सिलसिले में उन्होंने अपने खास नेताओं के साथ क्षेत्र में दौड़ धूप तेज कर दी। पूरनपुर सीट पर सपा के पूर्व विधायक पीताराम के भांजे राजकुमार उर्फ राजू ठेकेदार ने लखनऊ में सपा मुख्यालय पर आवेदन किया था। इसकी भनक लगते ही पूर्व विधायक के परिवार में खलबली मच गई। पूर्व विधायक ने आनन फानन में बयान जारी कर साफ कर दिया कि उनकी राजनीतिक विरासत उनकी पुत्रवधु जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष आरती महेंद्र ही संभालेंगी। इधर राजू ठेकेदार ने हाल ही में लखनऊ और दिल्ली में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर चुनावी समर में उतरने की इच्छा जाहिर की थी। सूत्रों की माने तो सपा के वरिष्ठ नेताओं ने राजू ठेकेदार को चुनाव की तैयारी में जुटने का संकेत दे दिया है, जिसके बाद राजू ठेकेदार ने अपने खास लोगों के साथ क्षेत्र में दौड़ धूप तेज कर दी है। खास बात यह है कि राजू ठेकेदार क्षेत्र में लोगों को ये भी बता रहे हैं कि पूर्व विधायक पीतम राम का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिस कारण इस बार वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अपने लिए माहौल बनाने में लगे राजू ठेकेदार तो सक्रिय हैं ही, लेकिन पूर्व विधायक अपने ही भांजे से खफा दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही नेता एक दूसरे से आगे निकलने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इन हालातों से स्थितियां ये बन गई हैं कि सपा के समर्थकों में ही भ्रम के हालात पैदा हो रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर किसके साथ वो जाएं और किस पर भरोसा करें। अब सारा दारोमदार सपा आलाकमान के कंधों पर है कि वो क्या फैसला लेते हैं और किसे टिकट देते हैं। लेकिन ये फैसला जितनी जल्दी लिया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर देरी की गई तो फिर सपा के लिए ही पूरनपुर विधानसभा पर दिक्कतें बढ़ सकती हैं और इसका सीधा असर चुनाव पर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।